स्टेज इधर रखवा दें बीच में, एक मिनट इमरान भाई इधर करवा देते हैं। आपकी जिद अपनी जगह जायज है, लेकिन मेरी हिम्मत ये नहीं है कि इतनी बड़ी शख्सियतें बैठी हों और मैं उनके आगे खड़ा होकर पढ़ूं, तो मुझे यही रहने दें तो अच्छा है। बहुत खूब। जहां तलत साहब जैसी शख्सियत हो, नदीम तरीन साहब मौजूद हों, गजनफर साहब हों, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं बीच में आऊं और वो सब मेरे पीछे बैठे रहें, तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं उन्हें देखते हुए पढ़ूं। तो मेरा ख्याल है कि छोटा सा ऑडिटोरियम है और आप देख सकते हैं। तबीयत पिछले 3-4 दिनों से बहुत ख़राब है, मेरी आवाज़ से आपको महसूस हो रहा होगा। माइक थोड़ा बेहतर कर दें। और आज मैं शाम से सोच रहा था कि पढ़ पाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मेरी तबीयत ठीक करने की जिम्मेदारी वक्त वक्त पर आप लोगों ने हमेशा उठाई है, आज भी उठा लेंगे तो इंशाल्लाह कुछ बेहतर सुना सकूंगा आपको। बहुत शुक्रिया और बहुत मुबारकबाद शिबली साहब को। आज का ये प्रोग्राम अपने आप में बहुत तारीखी है, बहुत यादगार है। हम गणतंत्र दिवस की जो 69वीं सालगिरह है, उसे कल ही हिंदुस्तान में मना करके आए हैं, और आज हज़ारों मील दूर अपने मुल्क से यहाँ तमाम रंग समेट करके एक शाम मना रहे हैं। शिबली साहब, आपने जो शाम सजाई है, उस शाम का जो सबसे खूबसूरत लम्हा है वो ये है कि किसी बाप के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि वो मौजूद हो और उसके 4 बेटों के लिए सामने बैठी हुई हर आंख में एहतराम हो। ये शायद सबसे खूबसूरत लम्हा है किसी भी बाप के लिए। थोड़ा सा वॉल्यूम भाईजान थोड़ा सा और बढ़ा दें, मैं कोशिश करूंगा कि मेरा भी वॉल्यूम बढ़ता रहे। बिहार का आदमी जहां मौजूद रहता है वो थोड़ी देर में बिल्कुल जिल्ले इलाही वाले मोड में आ जाता है। जनविजय मेरा छोटा भाई परफॉर्म कर रहा था और आप नीचे बैठ करके बिल्कुल जिल्ले इलाही के अंदाज में ऐसे हुक्म दे रहे थे कि जैसे वो परफॉर्मर ना हो बल्कि अनारकली हो। ये आदत बिहार की अपने आप में बहुत अनूठी है। सलाम है बिहार को। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ी देर आपको कुछ सुना सकूँ। चाय बीच में बंट रही थी, मैं सोच रहा था थोड़ी देर में पकौड़े भी आएंगे, लेकिन आए नहीं। हालांकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है जी न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कि जी न्यूज़ के ऑफिस के बाहर अगर कोई पकौड़ा बेच रहा है तो वो भी रोज़गार है। रोज़गार की परिभाषा बदल के रख दी है उन्होंने। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ थोड़ा रंग में आने की। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। छोटी छोटी बच्चियों ने परफॉर्म किया, ऐसा लग रहा था कि मैं हिंदुस्तान में बैठा हूँ, सामने बैठ के उन बच्चियों को देख रहा था। और जब नेमतुल्ला साहब बोल रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पटना के किसी प्रोग्राम में बैठा हूँ। ये कई सारे रंग आज के इस प्रोग्राम के। वाह भाई वाह। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि मेरी सांसों पर तुम्हारा अनगिनत एहसान है। 69वां गणतंत्र, एक ऐसा खूबसूरत दिन जो दिन हमें हक देता है कि हिंदुस्तान में छोटे से लेकर के बड़ा तक हर शख्स एक बराबर है। मैं उस दिन को याद करते हुए 4 मिसरे पढ़ता हूं कि मेरी सांसों पर तुम्हारा अनगिनत एहसान है, तेरी खुशहाली रहे कहता मेरा ईमान है, तेरी खुशहाली रहे कहता मेरा ईमान है। मेरी सांसों में तिरंगे की बुलंदी की दुआ, मेरी सांसों में तिरंगे की बुलंदी की दुआ, मेरे हिंदुस्तान तुझ पर जान भी कुर्बान है, मेरे हिंदुस्तान तुझ पर जान भी कुर्बान है, तेरी खुशहाली रहे कहता मेरा ईमान है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, थोड़ी सी हिम्मत आई है और कोशिश करता हूँ आपको जोड़ने की।
आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बस आज थोड़े से ज्यादा साथ की जरूरत है आपके। मैं चार मिसरे और पढ़ता हूं। एक तरफ हम 69वां गणतंत्र मना रहे थे और एक तरफ नदीम तरीन साहब ने जिस यूनिवर्सिटी को खूबसूरत रंग से सजोने के लिए अपने खून पसीने की कमाई का बहुत सारा पैसा हॉस्टल बनाने में दिया, उसी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से कुछ किलोमीटर दूर तिरंगा यात्रा निकली तो फिर एक शख्स की मौत होती है और झड़प होती है। हम ऐसा वक्त जी करके आ रहे हैं, हमारी आंखों में गणतंत्र के इतने अजीब अजीब रंग हैं कि उनका मातम किया जाए या उनका जश्न मनाया जाए। मैं चार मिसरे पढ़ता हूं साहब। के इस सियासत के लिए ईमान को मत मारिए। एक बच्चा मरा जिसका नाम चंदन गुप्ता था, आज उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल है, माथे पे तिलक लगाए हुआ है, खूबसूरत सा नौजवान जो विश्वहिंदू परिषद का कार्यकर्ता था। शाम में एक लड़के को उस पक्ष ने पकड़ के गोली मारी जिसके चेहरे पे दाढ़ी थी। वो दोनों तस्वीरें आज मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था और सोच रहा था कि एक तिलक वाला एक दाढ़ी वाला, दोनों का खून बहा है, सियासत की रोटियां सेंकी जा रही हैं। मैं मिसरे पढ़ता हूं साहब। के इस सियासत के लिए ईमान को मत मारिए, राम को मत मारिए, रहमान को मत मारिए, राम को मत मारिए, रहमान को मत मारिए। कल मुझे एक गाय रो रो करके ये कहती मिली, कल मुझे एक गाय रो रो करके ये कहती मिली, नाम पर मेरे किसी इंसान को मत मारिए, नाम पर मेरे किसी इंसान को मत मारिए। और हजारों मील दूर खड़ा होकर के पूरे जिम्मेदारी से, हिंदुस्तान का एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, तमाम बड़ों के बीच में, गजनफर साहब जैसे मीडिया के एक बड़े चेहरे के बीच में खड़ा होकर यह मिसरे पढ़ता हूं। इस आहट को, इस डर को, इस खौफ को महसूस करिए कि प्यार की और अमन की हर जहनियत खतरे में है, प्यार की और अमन की हर जहनियत खतरे में है, अब तो सुप्रीम कोर्ट की भी अहमियत खतरे में है, अब तो सुप्रीम कोर्ट की भी अहमियत खतरे में है, ये भी जनता की अदालत में जजों ने कह दिया। महसूस करना मेरे डर को और पहुंचाना हिंदुस्तान तक कि ये भी जनता की अदालत में जजों ने कह दिया, आज अपने मुल्क में जम्हूरियत खतरे में है, आज अपने मुल्क में जम्हूरियत खतरे में है, अब तो सुप्रीम कोर्ट की भी अहमियत खतरे में है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मैं आज की शाम के जो कुछ फराइज थे उन्हें अंजाम दे रहा था, थोड़ी देर वहां तक आऊंगा जहां आप मुझे सुनना चाहते हैं या मैं सुनाना चाहता हूं। कोशिश कर रहा हूं कि गले को वापस ला सकूं और बहुत हद तक कामयाब हो रहा हूं। बहुत अच्छी शाम है। हिंदुस्तान में मुशायरे होते हैं तो ऐसी भीड़ देखने को मिलती है कि कुर्सियां भरी हुई हैं, लोग खड़े हैं घंटों घंटों। यहाँ हजारों मील दूर आपने ये मंजर मुहैया कराए हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक बार आप अपनी मौजूदगी के लिए जोरदार ताली बजाएं। क्या कहने हैं भाई। चार मिसरे पढ़ता हूं, वक्त बदलेगा, ज्यादा दिन नहीं है, चार मिसरे सुनिएगा। के चाय वाले बाबू को, जरा सा रंग में आइए,
کہ چائے والے بابو کو چائے لے کے ڈوبے گی, چائے والے بابو کو. کل ہی سمویدھان لاگو ہوا ہے, بولنے کی پوری آزادی ہے. میں اس آزادی کا استعمال کرتے ہوئے مصرعے پڑھتا ہوں. میری تمام باتیں کسی بھی دائرے میں اسی طرح نہیں آتے ہیں جس طرح 370 کے دائرے میں بہت سارے قانون نہیں آتے ہیں. تو تھوڑی دیر ایک شاعر کو اس کے رنگ کے ساتھ سنیے. میرا اپنا ماننا ہے کہ ایک ایسا دور جب میڈیا نے طے کر لیا ہو کہ انہیں کس کے لیے بولنا ہے اور کیا بولنا ہے, ایک ایسا دور جب سیاسی گھرانوں نے طے کر لیا ہے کہ انہیں کیا بولنا ہے اور کس کے لیے بولنا ہے, ایسے میں شاعر کی ذمہ داریاں بہت بڑھ جاتی ہیں. میں کوشش کرتا ہوں صاحب کہ چائے والے بابو کو چائے لے کے ڈوبے گی, چائے والے بابو کو, چائے والے بابو کو چائے لے کے ڈوبے گی, چائے سے بچیں گے تو گائے لے کے ڈوبے گی, چائے سے بچیں گے تو. اور نوٹ بندی جی ایس ٹی سب سے بچ بھی جائیں پر, نوٹ بندی جی ایس ٹی, نوٹ بندی جی ایس ٹی سب سے بچ بھی جائیں پر اس نجیب کی ماں کی ہائے لے کے ڈوبے گی, اس نجیب کی ماں کی ہائے لے کے ڈوبے گی, چائے والے بابو کو. بہت شکریہ, بہت محبتیں. ایک نظم سنانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ بہت اچھا سن رہے ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ ہنس بھی لیے آپ, سارے رنگ آپ نے دیکھ لیے ہیں. بس تھوڑی تھوڑی سچائی کے کچھ اور رنگ ہیں جنہیں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. ایک بہت چھوٹی سی نظم سناتا ہوں آپ کو. کہ خون کو پانی اور پانی کو خون بنانے والوں سے, بالکل نئی نظم ہے اور بہت بڑی شخصیتیں یہاں پہ موجود ہیں. میں کاپی جچوانے کے لیے نئی نظم یہاں سناتا ہوں. دعائیں مل جائیں گی تو انشاءاللہ پوری دنیا میں پڑھ سکوں گا. شاید 4 سال پہلے یا 3 سال پہلے شبلی صاحب نے پہلی بار اس پروگرام کو کیا تھا. اسپار گروپ کا پہلا پروگرام تھا جس نے مجھے پوری دنیا میں بڑی محبتیں دی تھیں. اور جو اسپار میں آخری شبد ہے آر, وہ راشد صاحب کا ایک قرض میرے اوپر ادھار رہ گیا تھا کہ میں ان کی شادی میں نہیں جا پایا تھا. تو بہت دن سے انتظار میں تھا کہ کوئی ایسی شام جٹے جہاں جا کر کے وہ قرض اتار سکوں. حالانکہ ان کی شادی میں جا پایا کوئی بڑی بات نہیں, میں آج تک اپنی شادی میں بھی نہیں جا پایا ہوں. تو وہ قرض اتارنے حاضر ہو گیا ہوں. میں پڑھتا ہوں صاحب, ایک نظم سناتا ہوں آپ کو. کہ خون کو پانی اور پانی کو خون بنانے والوں سے, زہر میں ڈوبا بھارت کا مضمون بنانے والوں سے, خون کو پانی اور پانی کو خون بنانے والوں سے, زہر میں ڈوبا بھارت کا مضمون بنانے والوں سے, بن طلاق کے اپنی بیوی چھوڑ چھاڑ کر بیٹھے. اور واہ واہ واہ, پیچھے جو دوست ہیں وہ پتہ نہیں کیوں خاموش ہیں. آپ تھوڑا سا آپ کی بھی شرکت ہو. پڑھتا ہوں سنے گا. کہ زہر میں ڈوبا بھارت کا مضمون بنانے والوں سے, بن طلاق کے اپنی بیوی چھوڑ چھاڑ کر بیٹھے, اور
مسلم بہنوں کے حق میں قانون بنانے والوں سے میرے چند سوال ہیں. بس عنوان ہے اس نظم کا میرے چند سوال. بڑی معصومیت سے ایک شاعر اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے کہ خون کو پانی. چائے آ گئی ہے, تھوڑی دیر میں پکوڑے بھی آئیں گے, بہت محبت ہے. کہ خون کو پانی اور پانی کو خون بنانے والوں سے زہر میں ڈوبا بھارت کا مضمون بنانے والوں سے بن طلاق کے اپنی بیوی چھوڑ چھاڑ کر بیٹھے اور مسلم بہنوں کے حق میں قانون بنانے والوں سے میرے چند سوال ہیں. اب بند سنیے گا اس نظم. کہ مسلم بہنوں کی چنتا میں گر تھوڑی سچائی ہے, مسلم بہنوں کی چنتا میں گر تھوڑی سچائی ہے, سنیے گر قاتل نیت میں تھوڑی بھی اچھائی ہے, آپ کی ایک بوڑھی بہنا کی میں فریاد سناتا ہوں, آپ کی ایک بوڑھی بہنا کی میں فریاد سناتا ہوں, زکیہ جعفری کے اشکوں کی میں روداد سناتا ہوں, زکیہ جعفری کے اشکوں کی میں روداد سناتا ہوں, آپ کے اس گجرات میں جو بلقیس نام کی بہنا ہے, آپ کے اس گجرات میں جو بلقیس نام کی بہنا ہے, اس کی چیخوں پر منہ بولے بھائی کا کیا کہنا ہے, میرے یہی سوال ہیں, میرے چند سوال ہیں. بہت شکریہ, بہت محبت ہے. کیا کہنے, اگلا بند پڑھتا ہوں صاحب اس نظم کا. کہ ادھر دادری میں تم سے اخلاق کی بیٹی پوچھ رہی, ادھر دادری میں تم سے اخلاق کی بیٹی پوچھ رہی, پہلو خاں کی بوڑھی ماں بستر پر لیٹی پوچھ رہی, پہلو خاں کی بوڑھی ماں بستر پر لیٹی پوچھ رہی, اور نجیب کی ماں کی چیخیں تم سے رو کر کہتی ہیں, ان کی بے سدھ آنکھیں تم سے بے سدھ ہو کر کہتی ہیں, بعد میں تین طلاق پہ تم قانون بناؤ مودی جی, بعد میں تین طلاق پہ تم قانون بناؤ مودی جی, پہلے میرا غائب بیٹا ڈھونڈ کے لاؤ مودی جی, میرے یہی سوال, کیا کہنے عمران صاحب, میرے یہی سوال ہے. آخری بند سناتا ہوں اس نظم کا. میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں بڑی شرافت سے سنا سکوں, لیکن آپ بھی شرافت سے سنیں گے تو پھر معاملہ بنے گا نہیں, تو میں شرافت سے سناؤں, آپ پوری بدماشی سے سنیں, تب مجھے لگتا ہے کہ رنگ زیادہ بہتر. ایک مرتبہ زوردار تالیاں. مجھے تلاش ہے ان بھائی صاحب, ہاں ابھی نظر آئے آپ, بندے نے کم سے کم 10 بار نعرہ لگایا ہوگا. ایک ایسے شخص جب کسی بھیڑ میں ملتے ہیں نا تو لگتا ہے کہ پوری بھیڑ جو ہے وہ زندہ ہے. سلام بھائی صاحب, کہنے, واہ واہ, اللہ انہیں سلامت رکھے. اور اچھا زندہ باد, دھنیواد, بہت شکریہ. نظم سناتا ہوں میں. میرے چند سوال ہیں, کہ کہتی ہے تم سے جنید کی بوڑھی ماں روتے روتے, کم سے کم 50
भाषण सुने होंगे, मुस्लिम बहनों को उनका हक दिला के रहूंगा मैं, तब मुझे लगता है कि मुझे ये बात कहनी चाहिए कि कहती है तुमसे जुनैद की बूढ़ी माँ रोते रोते। कुछ मेहमानान अभी आए हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। हम लोग पहले आ गए थे, वही सही समय पर आए हैं, उनका स्वागत है, उनका खैर मकदम है, उनकी आमद के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं आप। मोहब्बतें, शुक्रिया। उन्हें कोई अच्छा सा पड़ोस देख के बिठा दिया जाए, और जब मर्दों के बीच में ही बैठना है तो फिर चॉइस क्या करना, कहीं भी बैठ जाएं, इंशाल्लाह आकबत अच्छी रहेगी। गुजारिश करता हूँ, बहुत खूबसूरत सुन रहे हैं आप। कि कहती है तुमसे जुनैद की बूढ़ी माँ रोते रोते, के खून को पानी और पानी को खून बनाने वालों से मुस्लिम बहनों के हक में कानून बनाने वालों से मेरे चंद सवाल हैं। के कहती है तुमसे जुनैद की बूढ़ी माँ रोते रोते, तुम जैसे भाई से तो बेहतर था भाई ना होते। के कहती है तुमसे जुनैद की बूढ़ी माँ रोते रोते, तुम जैसे भाई से तो बेहतर था भाई ना होते। कब इनकी आंखों का आंसू साफ मिलेगा मोदी जी, कब इनकी आंखों का आंसू साफ मिलेगा मोदी जी, आपकी इन बहनों को कब इंसाफ मिलेगा मोदी जी। वाह वाह वाह। मेरे वाह वाह। यही सवाल है, मेरे चंद सवाल है, मेरे चंद सवाल है। वाह वाह, शुक्रिया। क्या कहने, ये बिल्कुल नई सी नज्म थी जिसे मैंने सुनाने की कोशिश की। अच्छी लगी आपको? चलिए अब जी जी, जेएनयू की भी याद इंशाल्लाह, जामिया की भी याद, और अलीगढ़ की भी याद इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी। क्या कहने। हाँ अच्छा, उनका भी नाम आपने ले ही लिया जी। फलस्तीन भी सुनाऊंगा, आप जो जो मांग करेंगे इंशाल्लाह आपकी हर मांग भरी जाएगी, बस इसी तरह से। अच्छा, बिहार का, बिहार के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी अपने आप में बहुत कमाल है। वो बिहार के एक छोटे से बच्चे के स्कूल के टीचर ने उसके वालिद को, उसके अब्बू को फोन किया, बोला कमाल का शैतान बच्चा है, आपने कैसा बच्चा पैदा कर दिया, इसकी वजह से आज मैं बहुत परेशान हो गया। तो बाप ने कहा कि आखिर हुआ क्या, बोले ऐसी जिंदा पेंटिंग बनाता है कि धोखा आ जाए, आज इसने 2000 की नोट जमीन पर बना दी, मुझे धोखा हो गया, उठाने के चक्कर में मेरे नाखून टूट गए। तो बाप ने कहा कि तुम्हारे तो सिर्फ नाखून टूटे, मैं तो आईसीयू से लौटा कल। तो टीचर ने कहा अरे आप आईसीयू से कैसे आए, बोले इसने कल बिजली के मीटर पे कैटरीना कैफ की तस्वीर बना दी, चूमने के चक्कर में मैं हॉस्पिटल चला गया। अरे वाह वाह वाह, ये है बिहार। अरे क्या कहने, वहां का छोटा छोटा बच्चा भी अपने आप में बहुत समझदारी वाला आदमी है। बहुत कोई कोई बात आपकी थोड़ी देर में समझ में आई। जनविजय तभी अडवाणी जी की भी मिमिक्री कर रहे थे तो मुझे बहुत दया आ रही थी। जैसे ही राम कोविंद जी को राज्यपाल बनाया गया बिहार से ला करके, बिहार को और सलाम। बिहार वो बिहार है जिसने इस देश को राष्ट्रपति भी दिया इस बार, तो सलाम बिहार को। जब महामहिम राम कोविंद जी को राष्ट्रपति बना दिया गया तो यमराज अडवाणी जी के पास पहुंचे। उन्होंने अडवाणी जी से कहा कि कोई और बहाना बचा या चलें। कोई बात नहीं, कुछ बातें आपकी समझ में कल आएंगी, आप तन्हाई में ताली बजा सकते हैं, मुझे कोई शिकायत नहीं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत प्यार से सुन रहे हैं, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं, बहुत प्यारे लोग हैं आप। मैं एक नज़्म आपको सुनाना चाहता हूँ, थोड़ी देर उसके लिए मैं आपको मूड में ला रहा था और आप लगभग आ चुके हैं। लालू जी, जी जी बिल्कुल सारी, अच्छा ठीक है साहब, वो भी सुना देंगे। अब थोड़ी देर मुझे बोलने दीजिए और आप सुनिए। आप अंदाज़ा लगाइए कि मैं किस हालत में बोल रहा हूँ, बीमारी की हालत में बोल रहा हूँ, फिर भी बोल रहा हूँ। मैं इसलिए ज़िंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ।
दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मैं हिम्मत कर रहा हूं आप मेरे साथ शिरकत करेंगे। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको उस देश के अखबार नहीं लिख सकते। वाह वाह वाह। मैं हिम्मत कर रहा हूं, एक नज़्म सुनाता हूं। अभी 4-5 दिन से एक तस्वीर खूब सोशल मीडिया पे वायरल हुई कि हजारों मासूम बच्चों का कातिल पहुंचा ताजमहल की पनाह में अपनी अहलिया के साथ। तस्वीर खिंचवाई सोशल मीडिया से लेके हर जगह ट्रेन करती रही। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे मैं बेंजामिन नेतन्याहू की बात कर रहा हूं। मैं तो सोच रहा था कि हमारे सूबे की हुकूमत जो है उन्हें ले जाएगी किसी गौशाला में घुमाएगी, लेकिन ले गए आखिरकार ताजमहल ही। तब मुझे एक नज्म कहनी पड़ी, वो नज्म आपको सुनाता हूं। एक बयान आया था पिछले दिनों कि ताजमहल तो गद्दारी की अलामत है, ताजमहल को देख के तकलीफ होती है। आप सरधना मेरठ के किसी विधायक ने यह बात कही थी। मुझे हैरत हुई कि एक इमारत जो मोहब्बत की निशानी है, किसी हिंदू या मुसलमान की निशानी नहीं है, मोहब्बत की निशानियों से भी तकलीफ, इमारतों से तकलीफ, निशानियों से तकलीफ, किस दिशा में जा रहा है मुल्क। एक इमारत जो अपने बनने के सैकड़ों साल बाद भी ताजमहल को देखने के लिए एक साल में लगभग 19 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है और वो मुल्क की तरक्की के लिए जाता है। हुमायूं के मकबरे को देखने के लिए लगभग 14 करोड़ रुपए का टिकट एक साल में बिकता है और मुल्क की तरक्की के लिए जाता है। कुतुब मीनार को देखने के लिए लगभग 11 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है और मुल्क की तरक्की के लिए जाता है। लेकिन अफसोस होता है कि वो इमारतें जो अपने बनने के सैकड़ों साल बाद भी मुल्क को इतना रेवेन्यू दे रही हैं, राजस्व दे रही हैं, उन निशानियों से तकलीफ, उन इमारतों से तकलीफ। तब मैंने एक नज्म कही, सुनाता हूं आपकी अदालत में, थोड़ा सा आए आप मूड में आए। के बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। वाह वाह वाह। अब एक एक हाथ की शिरकत हो, बाकर भाई आपकी भी दुआएं मिले। के बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे, वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे, मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताज महल से नफरत है। वाह वाह वाह। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताज महल से नफरत है। आपकी धड़कनों में जो कुछ दौड़ता है उसे कोशिश करता हूं लफ्जों में ढालने की। अगर मेरा 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 मेरी कोशिश कामयाब लगे तो एक एक हाथ को कसम देता हूं। मैं पढ़ता हूं साहब। के बीते हुए पल से नफरत है, आते हुए कल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे, मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताज महल से नफरत है। के मुमताज से जो धाबाई तक, अरे वाह 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 वाह। अगर आपकी आंखों में आपके 800 साल के एक एक लम्हे तैर जाएं तो बताना कि इमरान बोल रहा है। के मुमताज से जो धाबाई तक, चाहत ही चाहत पाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। जिस ओर नजर दौड़ाओगे, अलल ऐलान कह रहा हूं कि जिस ओर नजर दौड़ाओगे,
हमको ही जिंदा पाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, के तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए। जरा सा सुनना हिंदुस्तान वालों, के तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए, शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्ला खान हुए, शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्ला खान हुए। आजादी का 69वां गणतंत्र, मैं गिना रहा हूं तमाम नाम, अगर आपके दिलों में एहतराम हिलोर मारे तो तालियों में बदल के उनके लिए एहतराम जाहिर करना। पढ़ता है इमरान, के तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए, शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्ला खान हुए, संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए, संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए, सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए, सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए, जिनको जाना था चले गए। क्या बात है, वाह 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 भाई। 47 में सरहद के उस पार से सदाएं आ रही थी कि चले आओ तुम्हारा मुल्क ये है, तो जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर मौलाना आजाद साहब ने कहा था कि कहां जा रहे हो, तुम्हारा मुल्क ये है, तुम्हारे पुरखों की कब्रें हैं यहां पर। अब उससे बड़ा फैसला कभी कोई हो नहीं सकता, ना उससे बड़ा सबूत हो सकता है वतन परस्ती का। मैं पढ़ता हूं साहब, के तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए, शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्ला खान हुए, संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए, सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए, जिनको जाना था चले गए, अब हमको भेज न पाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। अब आ रहे हैं अपने रंग में, मुझे ऐसा लग रहा है आप। वाह वाह जी, मैं कोशिश करता हूं, थोड़ी सी शिकायत मेरी अगली सफों में बैठे हुए लोगों से है, हालांकि ये अमीर लोग हैं, जल्दी खुद दाद नहीं देते या कोई काम खुद नहीं करते, ज्यादातर काम के लिए नौकर रख रखे होते हैं, तो हो सकता है घर पे जो नौकर है वो बैठा दाद दे रहा हो, लेकिन अगर आप सब देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं कोशिश करता हूं। मैंने कहा ना, मैं अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा बीमारी की हालत में खड़ा होकर पढ़ रहा हूं, लेकिन ये मेरी हिम्मत और मेरे चाहने वालों का मुझ पे जो कर्ज है उसे उतारने की कोशिश है इंशाल्लाह। आवाज आज के बाद कभी ना निकले, लेकिन जब तक आवाज है तब तक पढ़ता रहूंगा इंशाल्लाह। पढ़ता हूं क्या कहने है भाई, जिंदाबाद। के तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए, सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए, शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्ला खान हुए, संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए, जिनको जाना था चले गए, अब हमको भेज न पाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे।
कि जब जहांगीर हम हुए हैं तो इंसाफ सिखाया है हमने। गणतंत्र से 10 दिन पहले से शुरू हुआ तमाशा हम देख रहे थे कि जब सेंसर बोर्ड ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, उसके बाद भी सड़कों पर उत्पात है। किस लिए? महज एक फिल्म के लिए, महज एक काल्पनिक कहानी के लिए, जो मलिक मोहम्मद जायसी की एक कहानी पर बनी एक फिल्म है। मुल्क और जमहूरियत कहां आके खड़ी हुई है? ऐसे वक्त में कोशिशें करता हूं उन बड़ों का नाम गिनाने की कि जब जहांगीर हम हुए हैं तो इंसाफ सिखाया है हमने, अकबर बनकर दुश्मन को करना माफ सिखाया है हमने। अलग अलग मजहबों के मानने वाले लोग आज की शाम का हिस्सा हैं। एक बड़ी मजे की कहानी बताता हूं। मेरी जिंदगी में मुझे जो सबसे खूबसूरत त्योहार लगता है, ईद अपने आप में बहुत खूबसूरत है क्योंकि रोजे रखने के बाद बड़ी मशक्कतों के बाद आता है, लेकिन मुझे एक त्यौहार जो बहुत पसंद है वह है रक्षाबंधन का त्यौहार। जब मेरी बहनें मुझे फोन करती हैं और मैं दुनिया के किसी हिस्से में रहता हूं तो मुझे लगता है कि इससे खूबसूरत एहसास कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन आज काल्पनिक और पुराना इतिहास खंगालने वाले लोग रक्षाबंधन की जो कहानी है उसे दुनिया के सामने कभी लाने की कोशिश ही नहीं करते। मैं उसे लफ्जों में पिरोता हूं कि जब जहांगीर हम हुए हैं तो इंसाफ सिखाया है हमने, अकबर बनकर दुश्मन को करना माफ सिखाया है हमने, जब कर्मावती ने रक्षा वाला बस एक धागा भेजा था। पद्मावती का इतिहास बताया जा रहा है, मैं कर्मावती का इतिहास बता रहा हूं कि जब कर्मावती ने रक्षा वाला बस एक धागा भेजा था, बन करके हुमायूं तब बहना की लाज बचाया है हमने, बन करके हुमायूं तब बहना की लाज बचाया है हमने। और नफरत करने वालों, बांटने वालों, जब जब बहनों से हाथों पर, जब जब हाथों पर बहनों से अपने राखी बंधवाओगे, हमको ही हमको पाओगे। बोलो क्या क्या झूठ लाओगे, बोलो क्या क्या झूठ लाओगे, बोलो क्या क्या झूठ लाओगे। यकीनन दुश्वारियां हैं, हालात खराब हैं, लेकिन मायूसी कुफ्र है। डूबते हुए सूरज को देख करके लोग अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं, मायूसी कुफ्र है। वक्त की नब्ज पर हाथ रखो, डरने से काम नहीं चलेगा। अंग्रेज वक्त की नब्ज पर हाथ नहीं रख सके तो जिन अंग्रेजों की हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था आज उनके राजाओं के कपड़े बैंड बाजे वाले पहनते हैं। क्या कहने, वाह वाह वाह। वक्त की नब्ज से आंख मिलाओ। आपका शायर बोल रहा है कि जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है, वो भूल भुलैया अपनी है, वो कुतुब मीनारा अपना है। अगले 2 मिसरे में पूरा हिंदुस्तान आपकी आंखों के सामने होगा और वो आपका होगा। पढ़ता हूं साहब कि जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है, वो भूल भुलैया अपनी है, वो कुतुब मीनारा अपना है। टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। वाह वाह वाह। अगले मिसरे पे यहां से वहां तक जिंदाबाद है, जिंदाबाद। कोई भी हाथ खामोश नहीं रहेगा, और खामोश रख पाइएगा तो रखिएगा। मैं पढ़ता हूं साहब कि जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है, वो भूल भुलैया अपनी है,
वो कुतुब मीनारा अपना है, टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। 15 अगस्त का लाल किला वो भी तो हमारा अपना वाह, वाह, है। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह, बहुत कम लोगों को ऐसी मोहब्बतें नसीब होती हैं। इमरान भाई बहुत खुशनसीब हैं आप कि अल्लाह ने आपको इस फन से नवाजा है। बहुत शुक्रिया, मैं शुक्रगुजार हूं आपका, कर्जदार हूं आपका। आपकी यही मोहब्बतें मुझे इमरान बनाती हैं। मैं बहुत एक आम सा शायर हूं, बस मैं कोशिश करता हूं कि आपके दिल की जो कुढ़न है उसे शायरी बना दूं। आप सुन लेते हैं, दाद दे देते हैं, मोहब्बत दे देते हैं और मुझे इमरान बना देते हैं। जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है, वो भूल भुलैया अपनी है, वो कुतुब मीनारा अपना है। टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। 15 अगस्त का लाल किला वो भी तो हमारा अपना है। 15 अगस्त का लाल किला वो भी तो हमारा अपना है। हामी नहीं हूं इन मिस्रों का, लेकिन पढ़ रहा हूं कि जो जो तुमने बनवाया है, वो जो नफरती चिंतू है ना उनके लिए मिसरा है, कि जो जो तुमने बनवाया है उसको किस दिन गिनवाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, क्या सच्चाई, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। बहुत खूब, वाह वाह वाह। अच्छा, बिहार का प्रोग्राम हो और गमछा ना उड़ाया जाए, ये भी नहीं हो सकता ना, बिना गमछे के तो बिहार अधूरा है। सलाम आपकी मोहब्बतों को। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का। साहब, कई चेहरे हैं, एक चेहरा है जो बयान देता है, दूसरा चेहरा है जो टीवी चैनलों पर यह नापने की कोशिश करता है कि इस बयान का असर क्या है, तीसरा चेहरा है जो डिफेंड करता है, फिर चौथा एक चेहरा है जो जाके उसे सफाई करता है। जैसा हमारे सूबे के सीएम साहब गए और झाड़ू लगा के आए, तब मुझे लगा कि मुझे आखिरी बंद पढ़ना चाहिए कि चाहत की निशानी पर जब भी नफरत का निशाना पड़ता है। मैं सलाम करता हूं अपने मुल्क के तमाम सेकुलर हिंदू भाइयों को जिन्होंने इस बयान के बाद हमसे आपसे ज्यादा कड़े लफ्जों में मजम्मत करी और उन्होंने यह कहा, वाह वाह वाह, कि हिंदुस्तान ताजमहल हिंदुस्तान की विरासत है, वो किसी हिंदू या मुसलमान की विरासत नहीं है, वो हिंदुस्तान की विरासत है, उसके खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुना जाएगा। मैं सलाम करता हूं अपने देश की गंगा जमुनी तहजीब को और मिसरे पढ़ता हूं साहब, कि चाहत की निशानी पर जब भी नफरत का निशाना पड़ता है, इतिहास की हर सच्चाई को माथे से लगाना पड़ता है, आवारा सियासत की खातिर मत प्यार के दुश्मन बनिएगा, आवारा सियासत की खातिर मत प्यार के दुश्मन बनिएगा, वरना फिर ताज की चौखट पर झाड़ू भी लगाना पड़ता है, वरना फिर ताज की चौखट पर झाड़ू भी लगाना पड़ता है। अब प्यार में भी हिंदू मुस्लिम
अब प्यार में भी हिंदू मुस्लिम कितना नीचे गिर जाओगे, बोलो क्या क्या झूठ लाओगे, बोलो क्या क्या झूठ लाओगे, बोलो क्या क्या झूठ लाओगे, बोलो क्या क्या झूठ लाओगे। जिस ओर नजर दौड़ाओगे हमको ही जिंदा पाओगे, बोलो क्या क्या झूठ लाओगे, बोलो क्या क्या झूठ लाओगे, बोलो क्या क्या झूठ लाओगे। अरे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद, शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है जी। सुनाऊंगा, या खास तौर से नदीम तरीन साहब बैठे हैं, बड़े भाई जैसे तालिब साहब यहाँ पे मौजूद हैं, गजनफर साहब, मैं यहाँ जो परदेसी लोग रह रहे हैं उनकी कद्र इसलिए भी बहुत करता हूँ कि आप लोगों के अंदर जो एक दर्द पल रहा है तालीम को लेकर के, वो बहुत बड़ा है। आज मैं वीसी साहब की मौजूदगी में एक बात कर रहा हूँ कि हमारे पास हायर इंस्टीट्यूशंस के नाम पर जामिया जैसी यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी है, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी है, हमदर्द यूनिवर्सिटी है, हमारे पास मोहम्मद अली जौहर जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी है, लेकिन उसके बावजूद कभी आपने सोचा है कि आपकी तालीमी जो पूरा सिस्टम है वो इतना ख़राब क्यों है? उसकी वजह यह है कि इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होने के बाद भी आपका जो बेसिक एजुकेशन है वो बहुत ख़राब है। आपके पास छोटे स्कूल नहीं हैं, आपके 43% बच्चे आपकी कम्युनिटी के ऐसे हैं जो स्कूल का कैंपस का मुंह नहीं देखते हैं। ये जो सबसे बड़ी कमी है उसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग। अल्लाह ने आपको नवाजा है, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अपने इलाके के लिए कुछ करिए ना करिए, 5वीं तक का ही सही, अगर अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है तो एक स्कूल जरूर खोलिए अपने इलाके में। ये आप कर ले गए तो बहुत बड़ा काम कर लेंगे। इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो, दो निवाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। आज इब्राहिम साहब को पहली बार सुना मैंने, केरल अपने आप में अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही बहुत बहुत मोतबर सूबा है और इसीलिए निशाने पर है। आजकल सबसे ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान में कोई सूबा अगर निशाने पर है तो बहुत सलीके से वो केरल है। लेकिन सलाम आप लोगों को, ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने तमाम दुश्वारियां झेल करके अपने आप को मनवाया है। कि मैं मिस्रे पढ़ रहा हूं, मैंने कहा ना दुश्वारी और आपका रिश्ता तो 1400 साल पुराना है, डरने से काम नहीं चलेगा। कि सच की पहचान बनकर जियो तो सही, ये तमाम डिंगटीज बैठी हैं, इनके नाम है मेरे ये मिस्रे। कि सच की पहचान बनकर जियो तो सही, तुम निगहबान बनकर जियो तो सही, ये जमाना अदब से झुकाएगा सर, तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही, तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही। के रब की राहों में फरियाद तो कीजिए, मुश्किलों में उसे याद तो कीजिए। हर दिन कोई ना कोई एक बयान आ जाएगा, अजान बंद करो, लाउड स्पीकर बंद करो, ये करो वो करो, नहीं साहब घबराओ मत। के रब की राहों में फरियाद तो कीजिए, मुश्किलों में उसे याद तो कीजिए, किस में दम है अजा बंद
کروائے پھر مسجدیں پہلے آباد تو کیجئے مسجدیں پہلے آباد تو کیجئے ایک نظم سناتا ہوں ایک نظم سناتا ہوں آپ کو وہ بھی انشاءاللہ میرا خیال آپ کے لئے نہیں ہوگی آج کل ہندوستان میں ایک چلن شروع ہو گیا ہے جس اسٹار کی دکان بند ہونے لگتی ہے وہ پھر ایک ٹویٹ کرتا ہے اور اگلے دن سے ٹی وی چینلوں پہ بحث شروع ہو جاتی ہے اور دکان کے شٹر جو گر چکا رہتا ہے وہ اٹھ جاتا ہے پچھلے دنوں زیادہ ڈرنک کر لینے کی وجہ سے رات کے 3:30 بجے ایک صاحب نے ٹویٹ کیا کہ کیسی غنڈا گردی ہے اذان کی آواز آ رہی ہے میری نیند میں خلل پڑتا ہے میں نام نہیں لوں گا نہیں آپ جان جائیں گے کہ میں سونو نگم صاحب کی بات کر رہا ہوں میں الہ آباد میں رہتا ہوں وہ الہ آباد جو گنگا اور جمنا کا سنگم ہے میرے گھر سے 500 سے 700 میٹر کی دوری پر کئی سارے مندر ہیں میں رات کو مشاعروں سے لوٹ کے جاتا ہوں صبح کے 4 بجے 5 بجے میری نیند کے سب سے زیادہ نیند کا وقت ہوتا ہے وہی وقت ہوتا ہے جب مندروں میں بھجن شروع ہوتے ہیں آرتی ہوتی ہے لیکن آپ یقین کریں میری نیند میں کبھی خلل نہیں پڑتا کیونکہ اذان کی آواز سے گردوارے سے نکلنے والی سنگت کی آواز سے کسی چرچ سے نکلنے والی پریئر کی آواز سے یا پھر مندر سے نکلنے والی گھنٹیوں کی آواز سے کسی کی انسان کی نیند میں خلل نہیں پڑ سکتا کیونکہ یہ چیزیں اوپر والے کو یاد کرنی ہیں شیطان کی نیند میں تو پڑے گا ہی کیونکہ اس کا کام ہی ہے ایسی آوازوں کو سن کے اس کی نیند میں خلل پڑے میں ایک نظم سناتا ہوں آپ کو آپ جن وجے میرا چھوٹا بھائی یہاں بیٹھا ہے ممبئی سے آیا ہے میں امید کرتا ہوں یہ نظم لے کے جائے گا سونو صاحب تک پہنچائے گا کہ کبھی نہ ہوگی بند اذان کبھی نہ ہوگی بند اذان ہوگی بند اذان کبھی نہ ہوگی بند اذان اگلا جو مصرع ہے وہ پکارتا ہے آپ کو آپ پر الزام ہے کہ آپ صرف مذہبی شعروں پر داد دیتے ہیں اپنے الزام کو جھٹلائیے گا پڑھتا ہے عمران کہ کبھی نہ ہوگی بند اذان کبھی نہ ہوگی بند اذان آرتی اور اذان سے مل کر بنے ہیں ہندوستان کبھی نہ ہوگی بند اذان کبھی نہ ہوگی بند اذان زندہ باد عمران صاحب زندہ باد ہوگی بند اذان کبھی نہ ہوگی بند اذان میں جانتا ہوں میری اس طرح کی کوششوں سے بہت کوئی اثر نہیں پڑے گا لیکن میں ایک بات یہ بھی جانتا ہوں کہ جنگل میں ایک آگ لگی تھی جنگل دھوں دھوں کر کے جل رہا تھا جیسے آج ملک میں نفرتوں کی آگ لگی ہے جہاں جس طرف نظر دوڑائیے حادثے در حادثے ہیں ایسے میں جنگل میں آگ لگی تھی حاجی صاحب ایک ننھی سی گوریا اپنے جلتے ہوئے آشیانے کو دیکھ رہی تھی ایکایک اس کے اندر پتہ نہیں کہاں سے ہمت آئی وہ اڑ کر کے پڑوس کے ایک تالاب پر گئی اپنی چونچ میں جو 2-3 بوند پانی بھر سکتی تھی بھر کر کے لے کے آئی اور اس دہکتی ہوئی آگ کے اوپر اپنی چونچ کا پانی ڈال دیا پھر پلٹ کے گئی پھر پانی لے کے آئی پھر گئی پھر لے کے آئی پھر گئی پھر لے کے آئی یہ کرتے کرتے جب وہ بہت تھک گئی تو پڑوس کے ایک جنگل کی ڈال پر بیٹھ کے سستانے لگی تو وہاں بیٹھے ہوئے اجگر نے اس سے کہا کیوں نہیں گوریا تجھے کیا لگتا ہے تیرے 2 بوند پانی سے جنگل کی اتنی بڑی آگ بجھ جائے گی تو گوریا کے جواب کو میرا جواب سمجھنا شبلی بھائی کا جواب سمجھنا آپ سب کا جواب بنے وہ جواب گوریا نے کہا مجھے یہ بات پتا ہے کہ میرے 2 بوند پانی سے جنگل کی اتنی بڑی آگ کا شاید کچھ نہ ہو لیکن اس سے بھی بڑی بات مجھے یہ پتا ہے کہ کل جب جنگل کا اتہاس لکھا جائے گا تو میرا نام آگ لگانے والوں میں نہیں بلکہ آگ بجھانے والوں میں لکھا جائے گا واہ 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 زندہ باد میں اس کوشش کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوں میں پڑھتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں کیا کہنے واہ واہ
کہ کبھی نہ ہوگی بند اذان کبھی نہ ہوگی بند اذان کہ آرتی اور اذان سے مل کر بنے ہیں ہندوستان کبھی نہ ہوگی بند اذان کبھی نہ ہوگی بند اذان کہ لمحے بھر کی اذان لگے ہیں تجھ کو غنڈہ گردی لمحے بھر کی اذان لگے ہیں تجھ کو غنڈہ گردی ہم نے تیرے گانے گھنٹوں جھیلے ہیں بے دردی ہم نے تیرے گانے گھنٹوں جھیلے ہیں بے دردی کاش سونو نگم صاحب اپنے استاد محترم جن کا گانا گا گا کر کے وہ سونو نگم بنے ان محمد رفیع صاحب کی اس حسرت کا احترام کر پاتے جو خانہ کعبہ میں اذان دینے کی ان کی حسرت تھی کاش کہ لمحے بھر کی اذان لگے ہیں تجھ کو غنڈہ گردی ہم نے تیرے گانے گھنٹوں جھیلے ہیں بے دردی کہ گائک بابو گائک بابو بے حد نالائق ہے تیرا بیان کبھی نہ ہوگی بند اذان کبھی نہ ہوگی بند اذان میک مقدس سرزمین پر کھڑا ہوں ایک ایسی سرزمین پر کھڑا ہوں جہاں فضاؤں میں یہ صدائیں بکھری ہوئی ہیں کہ جس دن اس دنیا میں اذان کی صدا نہیں آئے گی میری دھڑکنیں میری سانسیں میری رگوں میں دوڑتا ہوا لہو میرا ایمان سب کچھ اگر ان دو مصروں میں آ گیا ہو تو کوئی بھی ہاتھ خاموش نہیں رہے گا انشاءاللہ پڑھتا ہوں صاحب کہ جس دن اس دنیا میں اذان کی صدا نہیں آئے گی پہنچانا ممبئی تک اس مصرے کو کہ جس دن اس دنیا میں اذان کی صدا نہیں آئے گی رات ہی رہ جائے گی اس دن صبح نہیں آئے گی کہ جس دن اس دنیا میں اذان کی صدا نہیں آئے گی رات ہی رہ جائے گی اس دن صبح نہیں آئے گی کہ اللہ تجھے ہدایت دے دے اللہ تجھے ہدایت دے دے لے آئے ایمان کبھی نہ ہوگی بند اذان کبھی نہ ہوگی بند اذان ہوگی بند اذان کبھی نہ ہوگی بند اذان میں گڑتنتر کے اس جشن کے موقع پر جشن جمہوریت کے موقع پہ کھڑا ہو کے یہ بات کہتا ہوں وہ کون لوگ ہیں جو اسلام کا چہرہ بنا دے رہے ہیں کہ اسلام دہشت کی بات کرتا ہے اسلام ناحق خون بہانے کی بات کرتا ہے ارے صاحب ہم تو اس مذہب کے ماننے والے ہیں کہ جن کے آقا پر کوڑا پھینکا جاتا تھا ایک دن نہیں پھینکا گیا تو آپ اس کا حال چال لینے کے لیے اس کے گھر گئے اور آپ کی ذمہ داری کے ساتھ آپ کو بتاؤں کہ اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آیا اسلام پوری کائنات کے لیے ہے اس لیے کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ رحمت للمسلمین نہیں کہا گیا ہے رحمت للعالمین کہا گیا ہے یہ ہے اسلام جو چہرہ بنا رہے ہیں ان تک یہ بتائیے کہ نہیں صاحب اسلام ناحق خون بہانے کی اجازت نہیں دیتا ارے صاحب جو مذہب وضو کرتے ہوئے ناحق پانی بہانے کی اجازت نہ دے وہ بھلا خون بہانے کی اجازت کیسے دے سکتا سبحان اللہ یہ جو دنیا میں اسلام کا چہرہ بنا دے رہے ہیں نہیں صاحب وہ اسلام کا چہرہ نہیں ہو سکتے ان کی مذمت کریے ان کے خلاف بولیے کیونکہ جس طرح بسم اللہ کہہ کر کے شراب پینے سے حرام شراب حلال نہیں ہو جاتی
उसी तरह अल्लाह अकबर कह करके किसी मासूम का कत्ल कर देने से वो कत्ल जायज नहीं हो जाता। मजम्मत करिए, बोलिए ऐसे लोगों के खिलाफ, क्योंकि बोलना तो पड़ेगा। अब चुप रहे तो आने वाली नस्लों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचेगा। इस बात का एहसास अपने दिल में बिठा के रखिएगा। मैं आखिर में एक नज्म आपको सुना करके आपसे विदा लेता हूं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, गणतंत्र का जश्न मना रहा हूं इसलिए मेरा मन कर रहा है, मुझे मेरे चार मिसरे याद आ रहे हैं, वो पढ़ दो। के मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहेब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहेब पुराने दिन ही लौटा दो, पुराने दिन ही लौटा दो। हमारे देश में एक बाबा हैं, बंदा दुनिया की हर बीमारी के इलाज का दावा करता है लेकिन आज तक अपनी फड़कती आंख नहीं सही कर पाए। लोग अमल भी बहुत करते हैं, उन्होंने बीच में कह दिया कि नाखून रगड़ो, पूरा हिंदुस्तान नाखून रगड़ रहा था। मैं एक दिन एक बस में चढ़ा तो मैंने देखा कि हर आदमी नाखून रगड़ रहा है। नजर पीछे गई तो कोने में देखा कि एक बुजुर्ग औरत है, वो अपना चेहरा छुपाए बैठी है। तो मुझे लगा सब नाखून रगड़ रहे हैं, एक अकेली खातून है वो नाखून नहीं रगड़ रही, चेहरा छुपाई। मैं उनके पास गया, मैंने कहा चाची क्या हुआ, सब नाखून रगड़ रहे हैं, आप क्यों नहीं रगड़ रही हैं? बाबा जी ने तो बताया कि नाखून रगड़ने से बाल बढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा बेटा मैंने ज्यादा रगड़ लिया था, मेरी मूछें निकल आई। ये है साहब, ऐसा आदमी जो ये कहता था स्वदेशी स्वदेशी स्वदेशी, और जब 100% FDI आई है तो सबसे पहले निवेश करने के लिए बाबा जी तैयार है। देश में 100% FDI भी आएगी और ठेले पर पकौड़े भी तले जाएंगे। वाह हिंदुस्तान, वाह रे जमहूरियत। मैं चार मिसरे पढ़ता हूं साहब। पिछले दिनों उन्होंने बयान दिया कि मैं अगर पीस एम्बेसडर नहीं होता तो जय ना बोलने वालों की गर्दनें कटवा देता। मुझे लगा कि एक शख्स जो हरियाणा गवर्नमेंट का पीस एम्बेसडर है वो ये कह रहा है कि अगर मैं कानून ने मेरे हाथ न बांधे होते तो मैं जय ना बोलने वालों की गर्दनें कटवा देता। तब मैंने चार मिसरे कहे साहब। अच्छा, इस बार चाय नहीं बल्कि पानी आया है। सऊदी अरब में पानी आ जाए तो चाय से ज्यादा कीमती माना जाता है। ये अच्छे तो दिन है, ये अच्छे दिन है। बाकर भाई भी कह रहे हैं, बाकर भाई पिछले 10 साल में आपसे ज्यादा अच्छे दिन तो शायद ही किसी के आए हों अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मुशायरे की निजामत के साथ साथ अगर मिमिक्री हो रही है तो बंदा उसमें भी दाद दे रहा है। ये अपने आप में अनूठी बात है बाकर साहब के लिए, मुझे लगता है उनकी खूबसूरत निजामत के लिए, यकीन करें। और तभी वो कह रहे थे कि अनवर जलालपुरी साहब ने ये कहा है वो कहा है। सच बात यह है कि अनवर साहब ने कहा था, अनवर साहब हमारे बीच में नहीं रहे। उर्दू मुशायरों का एक बहुत बड़ा सितारा, यूं कहूं कि एक बहुत बड़ा सूरज, वो डूब गया। अनवर जलालपुरी साहब की रूह को अल्लाह मग़फ़िरत दे। और अल्हम्दुलिल्लाह परसों उनको, उनकी जो किताब थी उन्होंने गीता का उर्दू शायरी में अनुवाद किया था, उसके लिए उन्हें पद्मश्री मिली। तो ये उर्दू शायरी के लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे कुनबे के एक बुजुर्ग को पद्मश्री जैसा अवार्ड मिला। पिछले साल 2016 में एक वक्त था कि उत्तर प्रदेश हुकूमत ने जब यश भारती दिया, नदीम तरीन साहब जानते हैं, तो मेरी खुशनसीबी थी कि मैंने जिन्हें ज़मीन में बैठ के सुना था मैं उनके साथ यश भारती ले रहा था। ये मेरी खुशनसीबी थी। आज वो हमारे बीच में नहीं है, मैं यहाँ खड़ा होकर के उन्हें याद कर रहा हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनके जाने के बाद बहुत बड़ी जिम्मेदारियां बाकर साहब पे आ गई हैं। अब अगर बाकर साहब यहाँ से हिंदुस्तान शिफ्ट हो जाएं तो मैं गारंटी लेता हूँ रोजगार की। मुशायरे आपका इंतजार कर रहे हैं, आप चल सकते हैं। मैं पढ़ता हूँ साहब। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बाबा जी का जिक्र हो रहा था तो मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ। अच्छा हाँ, ये नाम ज्यादा अच्छा बताया आपने, मैं इंशाल्लाह ये नाम वहां तक पहुंचा दूंगा, क्या पता उन्हें ये नाम पसंद आ जाए।
कि जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। और जन विजय ने मिमिक्री करी थी तभी आदनी, क्या कहने, ये सलवार से बहुत खुश हुए। हर आदमी अपने काम की चीज पे खुश होता है भाई साहब, खुश हुए, सबके खुश होने का अपना अपना दायरा है। मैं चार मिसरे और पढ़ता हूँ साहब। कि तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। मैं ये मिसरे पढ़ रहा हूं, इन मिसरों का तोगड़िया जैसे भी रिश्ता है, सुनिएगा। कि तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा, अजी कुदरत की लाठी में कहाँ आवाज होती है, ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा, ये बातें आडवाणी से। भाई आपने चार मिसरों में तोगड़िया को रगड़ दिया, कौन समझेगा। मुझे मोदी जी का ये काम बहुत पसंद आया। मैंने उस दिन ट्वीट किया था कि तानाशाह की तानाशाही का कानून ये बढ़िया है, राम राज में सुबक सुबक कर रोता आप तोगड़िया है। मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था और मुझे अच्छा लगा कि एक ऐसा शख्स जिसने सिर्फ नफरत बांटी दुनिया में, आज हालत ये हो गई है कि उन्हें सुबक सुबक के रोना पड़ रहा है। सलाम इस काम के लिए, मैं सलाम करता हूं मोदी जी को, आज यहां खड़ा होकर एक जोरदार ताली उनके लिए बजाई, कमाल का काम किया उन्होंने। एक नज्म सुनाता हूं आपको आखिर में विदा लेते हुए, बहुत रात होने को आ गई है, वक्त का पता ही नहीं चल पा रहा है क्योंकि, अच्छा जी जी फलस्तीन, इंशाल्लाह आखिर में मैं फलस्तीन सुना करके आपसे विदा लूंगा, मदरसा भी सुना दूंगा, मदरसा भी आपका हुक्म है सुना दूंगा। अच्छा, इधर सामने अरशद भाई बैठे हैं, उनका हुक्म आया है कि सानिया मिर्जा वाला, ये कमाल है। अच्छा, बिहार वालों की तरफ से अगर सानिया मिर्जा पे कोई मिसरे याद किए जाए तो ऐसा लगता है कि कहीं वो उस गाने की फरमाइश तो नहीं है, ये नथुनिया टाइप का कुछ एक गाना ना सानिया मिर्जा पे, तो डर लगने लगता है। लेकिन अरशद भाई का हुक्म है तो पूरा करना है, क्योंकि उन्हीं के साथ फ्लाइट में आया था, वापसी में फिर हो सकता है उन्हीं के साथ जाना पड़े, और इमरजेंसी विंडो के बगल वाली विंडो ऊपर भी खुलती है, मैंने ऐसा सुना है। तो नेता आदमी है, कब सरकार दे कोई भरोसा नहीं है, तो मैं उनका हुक्म पूरा कर दे रहा हूँ। चार मिसरे पढ़ता हूँ बड़ों ने, ये मिसरे नहीं सुने होंगे, थोड़ी सी बदमाशी भरे मिसरे हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों दो ढाई तीन चार साल पहले शादी हुई तो बड़ा बवेला मचा, मुझे बहुत तकलीफ हुई, मुझे लगा कि हिंदुस्तान में जब इतने ठीक ठाक कुंवारे पड़े हुए हैं, तब तक तो राशिद भी कुंवारे ही थे मेरा ख्याल है, अरे तो मुझे लगा कि तब तक राशिद भी कुंवारे हैं और आप क्यों जा रही हैं पड़ोसी मुल्क। तो मैंने चार मिसरे कहे कि कुछ ऐसा प्यार तुम हिंदुस्तान से करती, कोई ना रोकता शादी भी शान से करती, कोई ना रोकता शादी भी शान से करती। मिश्रा अगर मेरा सजेशन सही लगे तो दुआएं देना मुझे। कोई ना रोकता शादी भी शान से करती, शोएब जैसे पड़ोसी का हाथ क्यों थामा, जो शादी करनी थी
यूसुफ पठान से करती जो शादी करनी थी, यूसुफ पठान से करती। मिश्रा लगा रहे थे इमरान से करती। अरे बहुत सही मिश्रा लगाया उन्होंने। मैंने भी सोचा था, मैंने अम्मी से जिक्र भी किया, फिर अम्मी ने जो कहा उन्हें चार मिस्रों में पिरोने की कोशिश करता हूं। अच्छा, मैंने सोचा आंसू पोंछने के लिए दे रहे हैं। रमेश सोज का एक शेर है कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। शिबली भाई, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। मैं चाहता हूं कि मेरे माथे पे ये पसीने की बूंदें रहें, क्योंकि ये हमारी आपकी मोहब्बत की निशानियां हैं। मैं मिसरे पढ़ता हूं अम्मी से। जब मैंने कहा कि अम्मी आप कहें तो ट्राई करूं, तो जो अम्मी का सजेशन था वो मुझे लगता है कि हर हिंदुस्तानी माँ का सजेशन होगा। माँ ने जो कहा कि अगर वो ऐसी है तो हूं बहू पसंद नहीं। मां कह रही है, मुझे तो थी फिलहाल, कि अगर वो ऐसी है तो हूं बहू पसंद नहीं। बहुत ज्यादा उबलता लहू पसंद नहीं, बहुत ज्यादा उबलता लहू पसंद नहीं। बड़े ही प्यार से ये मेरी माँ ने मुझसे कहा, बिना दुपट्टे की मुझको बहू पसंद नहीं, बिना दुपट्टे की मुझको बहू पसंद नहीं। अगर वो ऐसी है तो हूँ बहू पसंद नहीं। मैंने हुक्म पूरा किया। अब आखिर में मैं 5-7 मिनट अपनी और आपकी दोनों की कोशिशें और फरमाइशें मिला करके जी मदरसा सुना दूंगा, वो भी पूरा हो जाएगा। पीछे से एक आधी और आवाजें आई हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं वो भी सुना सकूं। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन एक नज्म सुनिए जो आज इस प्रोग्राम की जरूरत है। आज ये संदेशा यहां से जाए तो बड़ा होगा। पिछले दिनों आपको याद होगा कि पूरे हिंदुस्तान में कभी गाय के नाम पर, कभी बच्चा चोरी के नाम पर सिलसिला सा चल पड़ा था मॉब लिंचिंग का। सलाम आपकी मोहब्बतों को कि पिछले ईद पर मैंने आपसे गुजारिश करी, जुनैद को वही हाल फिलहाल मारा गया था। मैंने आप सबसे गुजारिश करी, तमाम चाहने वालों से, कि हम ईद मनाने जा रहे हैं, चलिए इस बार प्रोटेस्ट करते हैं, ईद के दिन ईद की नमाज पढ़ने जाएं, लेकिन काली पट्टी बांध करके नमाज पढ़ने जाएं। सलाम आपको कि पूरी दुनिया में फैले हुए आप लोगों ने उस एक दिन, हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के बाहर शायद ही कोई ईदगाह बची होगी जहां 10 आदमियों ने ही सही लेकिन काली पट्टी बांध के एक प्रोटेस्ट दर्ज किया। सलाम आपको। वाह वाह। मैं खुशनसीब हूं कि आपने मेरी बात मानी। वो मेरी एक छोटी सी कोशिश थी, और पहली बार शायद किसी शायर की आवाज पर चाहने वालों ने, कौम ने एकजुटता दिखा करके ये संदेशा दिया। साहेब उस दिन न्यूयॉर्क में थे, जब CNN ने कवर किया तो अल्लाह का करम रहा कि कानून मंत्री रविशंकर जी को बोलना पड़ा, और पहली बार उन्होंने मॉब लिंचिंग को मर्डर लफ्ज माना, तो ये एक कामयाबी थी। उसके बाद सिलसिला नहीं रुक रहा था, तो मैंने कोशिश करी, जंतर मंतर पर इकट्ठा हुआ मैं अपने चाहने वालों के साथ, और मैंने एक बहुत अनूठा प्रोटेस्ट किया। मैं आज इस जश्न जमहूरियत में बताऊं कि मैंने जंतर मंतर पर इकट्ठे होकर दिल्ली में हुकूमत से यह कहा कि हमारा खून सड़कों पे मत बहाइए, हम इस खून को दान करेंगे, डोनेट करेंगे। ये खून सेना के जवानों की जान बचाने के काम आएगा, किसानों की जान बचाने के काम आएगा। और आपको जान के हैरत होगी कि मेरे साथ मेरे हजारों चाहने वाले इकट्ठा हुए, और हमने एक दिन में 2816 यूनिट ब्लड डोनेट किया। सरकार की बसें कम पड़ गईं हमारा खून लेने से, तो वह एक कोशिश थी हमारी। आज मैंने शुरू में ही आपको बताया कि मैंने दो तस्वीरें देखी। एक तस्वीर थी जिसमें तिलक लगा हुआ था,
चंदन गुप्ता नाम की तस्वीर, 20-22 साल का एक नौजवान लड़का, जिस भी वजह से लेकिन मारा गया। दूसरी तस्वीर थी अलीगढ़ का एक लड़का अपनी बीवी का ऑपरेशन करवाने हॉस्पिटल लेके जा रहा था, उसे दंगाइयों ने घेर लिया और इतना मारा और गोली मारी कि उसकी आंख मुझे लग रहा है कि चली जाएगी, जान बचना मुश्किल है। वो दोनों तस्वीरें सोशल मीडिया पर हैं, एक के माथे पर तिलक है और एक के चेहरे पर दाढ़ी है। मुझे मेरी नज्म याद आ रही है, मैं बहुत नम आंखों से एक नज्म सुनाता हूं आपको, मकसद के तहत इस नज्म को सुनाता हूं और दुआएं मांगता हूं आपसे। के पूछता है तिलक से वजू चीख कर, सुनिएगा इस नज्म को साहब। के पूछता है तिलक से वजू चीख कर, आमने सामने रूबरू चीख कर, सुनिएगा इस नज्म को साहब। मैं अपनी तमाम बदमाशियां दरकिनार करके आज पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है कि मैं ये नज्म सुनाऊं। हिंदुस्तान को एक संदेशा भेजिए आज यहां से। के पूछता है तिलक से वजू चीख कर, आमने सामने रूबरू चीख कर, विसी साहब से खुसूसी दुआ मांगता हूं मैं इस नज्म पर। के पूछता है तिलक से वजू चीख कर, आमने सामने रूबरू चीख कर, लड़के दंगों में जिसको बहाया गया, लड़के दंगों में जिसको बहाया गया, पूछता है हमारा लहू चीख कर, के जब मेरा और तेरा, जब तेरा और मेरा, जब मेरा और तेरा एक ही रंग है, जब मेरा और तेरा एक ही रंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। दो परिवारों में मातम, सैकड़ों दुकानें फूंक दी गईं और वहां पहुंचते हैं कासगंज के सांसद महोदय, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह साहब के साहबजादे, और उनका जो बयान है वो सुनिए तो ऐसा लगता है कि सियासत कहां आ गई है। मैं पढ़ता हूं साहब। के कौन कहता है आबाद हो जाएंगे, एक गुजरी हुई याद हो जाएंगे, कौन कहता है आबाद हो जाएंगे, एक गुजरी हुई याद हो जाएंगे, एक दूजे के खून की रही प्यास तो लड़के दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे, के मेरे बिन तू अधूरा रहेगा सदा, तेरे बिन मैं अधूरा रहूंगा सदा, इस तरह से तेरा और मेरा संग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। नेमतुल्ला साहब बैठे हैं, सियासत की दुनिया से आते हैं, लेकिन मैं नज्म का ये बंद पढ़ता हूं और आप पहुंचे तो मुझे बताना। कि हम में तुम में मोहब्बत नहीं चाहती, ये तुरंगी सियासत नहीं चाहती, हम में तुम में मोहब्बत नहीं चाहती, ये तुरंगी सियासत नहीं चाहती, आप हम दोनों मिलकर रहे प्यार से, बस यही तो
हुकूमत नहीं चाहती। बड़ी कमजोर तालियां बजाई हैं आपने इस पर, मेरी शिकायत है आपसे। मैं फिर से पढ़ता हूं साहब, कि हम में तुम में मोहब्बत नहीं चाहती, ये तुरंगी सियासत नहीं चाहती, आप हम दोनों मिलकर रहे प्यार से, बस यही तो हुकूमत नहीं चाहती। कि हिंदू मुस्लिम लड़े और लड़ते रहे, हिंदू मुस्लिम लड़े और लड़ते रहे, इस सियासत का अपना यही ढंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। और जाते जाते एक नज़्म सुना के जा रहा हूं साहब। गजनफर साहब ने मुझे बताया कि हमारे पड़ोसी मुल्क के भी कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनकी मौजूदगी को सलाम करता हूँ। हम दोनों के दर्द एक जैसे हैं, हम दोनों की मुश्किलें एक जैसी हैं, हमारी खुशियां एक जैसी हैं। मुझे लगता है कि एक बार आज की इस पूरी महफिल के लिए एक जोरदार आपकी ताली बजनी चाहिए। सलाम उन पड़ोसियों की मौजूदगी का, हिंदुस्तानी तमाम यहाँ बैठे हैं। मुझे फलस्तीन की नज्म के लिए आपका हुक्म है, मैं वो आखिर में पढ़ दूंगा, लेकिन पाकिस्तान के तमाम साथी यहाँ मौजूद हैं तो मैं एक नज्म सुनाना चाहता हूँ। एक नई नज्म है और शकील साहब यहाँ बैठे हैं, मैं एक नज्म सुनाता हूँ साहब। पाकिस्तान मुझे सिर्फ एक बात के लिए, मैं पाकिस्तान को मोहब्बतों से, तमाम अपनी मोहब्बतें उस पर न्यौछावर कर सकता हूं, क्योंकि पाकिस्तान में एक शायर पैदा हुआ जिसका नाम था हबीब जालिब। क्या कहने, वाह वाह। पाकिस्तान के साथी हबीब जालिब साहब को समझते होंगे, उनकी एक नज्म है, सरसर को सबा जुल्मत को जिया, बंदे को खुदा क्या लिखना। मुझसे जब जब इंटरव्यू में कहा गया, मुझे लगा कि मेरी सारी शायरी, मेरा सब कुछ उनकी एक नज्म पर कुर्बान। मेरा कोई आइडियल है पूरी दुनिया में तो सिर्फ एक शायर जिसका नाम है हबीब जालिब। आप सब सुनिएगा उन्हें यूट्यूब पे। मैं उन्हें खराज अकीदत और पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो दोस्ती की एक शुरुआत है उसे याद करते हुए एक नज्म सुनाता हूँ। नई सी आज कही गई एक नज्म है, उनके सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सुनिएगा साहब। के सच बात की पैरोकारी है, बिल्कुल नई नज्म है, सुनिएगा। मुझसे कहा जाता है इमरान साहब निजाम बदला है, हुकूमत बदली है, दिल्ली से लेकर के आपके सूबे तक, डरिए सिक्योरिटी लेके चला करिए, देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है, परेशान हो जाएंगे। तो मैं आपकी मोहब्बतों के भरोसे कह देता हूं कि जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश हैं हमसे लब ना खोला जाएगा। अरे उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। और मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। वाह वाह वाह। मेरी माएं बहनें मुझे सुन रही हैं, आप यकीन करें नहीं डर लगता, नहीं लगता। कभी कभी अम्मी डर करके फोन करती हैं, परेशान हो जाती हैं, तब मैं बहुत मोहब्बत से अवाम के बीच में खड़ा होकर ये मिसरे कह देता हूं कि क्या आरजू करूं मैं तेरी आरजू के बाद, कुछ भी नहीं बचेगा मेरी गुफ्तगू के बाद, और दुनिया का कोई खौफ मुझे क्या डराएगा, माँ ने है मुझको दूध पिलाया वजू के बाद। वाह वाह वाह, जिंदाबाद भाई, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मैं नज़्म सुनाता हूं साहब, सुभान अल्लाह। कि सच बात की पैरोकारी है, 100 झूठ पे एक सच भारी है, सुनिएगा साहब। कि सच बात की पैरोकारी है, 100 झूठ पे एक सच भारी है, हर दौर में सच के साथ रहे,
शायर की जिम्मेदारी है, वाह वाह, शायर की जिम्मेदारी है। मैं आग से लड़ने निकला हूँ, अंगारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूँ और शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना, क्या डरना। इस नज़्म को मैं सुबह वीसी साहब के साथ नाश्ता कर रहा था, तो मैं उन लम्हों में भी इस नज़्म को कोशिश कर रहा था कि मैं कह सकूं, कहीं सुनाया नहीं, कहीं गुनगुनाया नहीं। आज मेरा मन हुआ कि मैं आपके सामने कॉपी जचवा लूं ताकि पूरी दुनिया में पढ़ सकूं। पढ़ता हूं साहब। कि सच बात की पैरोकारी है, एक सौ झूठ पे एक सच भारी है। हर दौर में सच के साथ रहे शायर की जिम्मेदारी है, शायर की जिम्मेदारी है। मैं आग से लड़ने निकला हूँ, अंगारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूँ, एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना, क्या डरना। के एहसास की शिद्दत मध्यम है, लफ्जों में खुशी नामातम है। एहसास की शिद्दत मध्यम है, लफ्जों में खुशी नामातम है। इस बात पे बस ईमान रखो, हर जुल्म की उम्र बहुत कम है, हर जुल्म की उम्र बहुत कम है। मैं सूरज हूँ और सूरज को अंधियारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूँ, एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना। के तू जुल्म कहाँ तक ढाएगा, रेत के इन मैदानों से लेकर के अपने आसपास तक ये मिसरे आपको सच्चे दिखाई देंगे। के तू जुल्म कहाँ तक ढाएगा, देखें किस हद तक जाएगा। तू जुल्म कहाँ तक ढाएगा, देखे किस हद तक जाएगा। हाँ झूठ फना होगा एक दिन, और सच का अलम लहराएगा, और सच का अलम लहराएगा। अल्लाह हमारे साथ है तो हथियारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूँ, एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का, मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं पढ़वाऊं, देखिए लेकिन आपकी मोहब्बतों ने पढ़वा लिया इस नज़्म का। कि झूठों का नारा हारेगा, अल्लाह का मारा हारेगा। झूठों का नारा हारेगा, अल्लाह का मारा हारेगा। आमीन कहो, आमीन कहो, नमरूद दोबारा हारेगा। आमीन, नमरूद
दोबारा हारेगा जब जंग पे निकले हो तो फिर तलवारों से क्या डरना वाँ वाँ वाँ। क्या डरना वाँ वाँ वाँ। मैं शायर हूँ एक शायर को सरकारों से क्या डरना क्या डरना क्या डरना सच बात की पैरोकारी है सौ झूठ पे एक सच भारी है हर दौर में सच के साथ रहे शायर की जिम्मेदारी है शायर की जिम्मेदारी है मैं आग से लड़ने निकला हूँ अंगारों से क्या डरना क्या डरना मैं शायर हूँ एक शायर को सरकारों से क्या डरना क्या डरना क्या डरना बाप हो वाह 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 जिंदाबाद क्या कहने वाह 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 जिंदाबाद भाई जिंदाबाद वाह 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 बहुत शुक्रिया वाह वाह बहुत शुक्रिया अजहर इनायती साहब का एक शेर है कि अपनी अपनी तस्वीर बनाओगे तो होगा एहसास कितना दुश्वार है खुद को कोई चेहरा देना अरे वाह वाह जगतियाल तेलंगाना के कोई साथी हैं जिन्होंने मेरा स्केच बना के मुझे दिया है बहुत शुक्रिया मैं कर्जदार हूं आपका सबके दिलों की जान बनाया है आपने मुश्किल को भी आसान बनाया है आपने मुश्किल को भी आसान बनाया है आपने कैसे अदा करूंगा मोहब्बत का कर्ज मैं इमरान को इमरान बनाया है आपने इमरान को इमरान बनाया है आपने बिहार वालों हिंदुस्तान वालों गवाह रहना कि मेरी तबीयत खराब थी मुझसे बोला नहीं जा रहा था लेकिन ना तो मैं डरा ना तो मैं हारा और ना ही मैंने घुटने टेके मैं पढ़ता रहा आपकी सदाओं पर सदाएं देता रहा ये मेरी कौम के हुक्मरां भी सुने वो नज्म जिसकी सबकी फरमाइशें हैं वो मैं पढ़ के विदा लेता हूं आपसे जी? जी अच्छा पहले मदरसा सुना दूं या फलस्तीन सुना दूं एक एक बंद दोनों का सुना अच्छा एक भाई साहब सामने से कह रहे हैं चूंकि वसीम रिजवी साहब ने खुराफात करी है इसलिए पहले उसे सुना दीजिए अच्छा मैं दो बंद उसका दो बंद इसका मतलब जितनी देर में एक पूरी नज्म पढ़ता उतनी देर में कोशिश करता हूं कि दोनों आपको सुना दूं वाह 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 हमारे अच्छा पीछे से एक और आवाज आई है क्योंकि वो बिहार के हैं तो उनकी एक मोहब्बत है कि वे खास साहब के लिए चार मिसरे सुनाइए साहब के लिए या साहेब के लिए अच्छा दोनों चीजें आप वा, वा, बड़े समझदार लोग हैं मैं कोई नाम वाम नहीं लूंगा बस चार मिसरे ऐसे पढ़ देता हूं आप कह रहे अरे अच्छा मेरे लिए क्या कहने मोहब्बत है शुक्रिया आपने अगर मेरे लिए डंडे खाए तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए गोली खाने को तैयार हूं ये वादा कर रहा हूं आपसे अरे वाह वाह और देखिएगा आप पीछे नहीं हटूंगा के अपनी बर्बादी से डरते रहते हैं नेमतुल्ला साहब ये मिसरे लेके जाइएगा के अपनी बर्बादी से डरते रहते हैं अपनी बर्बादी से डरते रहते हैं अपनी
बर्बादी से डरते रहते हैं। पटना दिल्ली में बैठे कुछ नकली लोग शेर की आजादी से डरते रहते हैं, शेर की आजादी से डरते रहते हैं, जज्बे फौलादी से डरते रहते हैं। अब पूरे मिसरे याद आए तो अब जरा पूरी वाली ताद दे दीजिएगा कि जज्बे फौलादी से डरते रहते हैं, अपनी बर्बादी से डरते रहते हैं। मैंने सुना है बड़ी मोहब्बत करते हैं आप उनसे, देखता हूं कितनी करते हैं। के जज्बे फौलादी से डरते रहते हैं, अपनी बर्बादी से डरते रहते हैं। पटना दिल्ली में बैठे कुछ नकली लोग शेर की आजादी से डरते रहते हैं, शेर की आजादी से डरते रहते हैं, शेर की आजादी से डरते रहते हैं। वो नज्म सुनाता हूं जिसके लिए हुक्म हुआ, मदरस अच्छा चार मिसरे वो भी पढ़ देता हूं। कितनी बेअदबी से उनका नाम पुकारा जाता है, बिल्कुल नाम नहीं लूंगा आप समझ जाएंगे, सुनिएगा। क्या कितनी बेअदबी से उनका नाम पुकारा जाता है, उस पे गजब तो ये है सुबह शाम पुकारा जाता है। कल तक जिस महफिल में उनका नाम सुशासन बाबू था, अब सुन के बताना कि कल तक जिस महफिल में उनका नाम सुशासन बाबू था, आज उसी में उनको पलटू राम पुकारा जाता है, आज उसी में उनको पलटू राम पुकारा जाता है, आज उसी में उनको पलटू राम पुकारा जाता है। मैं नाम नहीं लूंगा, आप बहुत समझदार लोग, नहीं मैं बिल्कुल नाम नहीं लूंगा कि मैं बिल्कुल नाम नहीं लेंगे, आप ले रहे हैं बहुत अच्छी बात। सुनिए वो नज्म सुना, अच्छा बाकर भाई ने ले लिया तो फिर तो लोग समझ जाएंगे कि नीतीश जी के बारे में सारी सजाएं इनके नाम। बाकर भाई के लिए ताली बजाइए, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। के मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, जिंदगी में जो कुछ कहा वो एक किनारे, ये एक नज्म एक तरफ, क्योंकि इसे सुन के अम्मी बारहा मुझसे कहती है कि तुम्हारी ये नज्म मुझे बहुत पसंद है, तो मुझे लगता है कि क्या बात है, वाह वाह, जो कुछ कहा वो सब एक तरफ, ये एक तराजू पर, वाह वाह शुक्रिया। आपकी भी मोहब्बत मेरे लिए माँ जैसी ही है, आपकी मोहब्बत मुझे हासिल रहे। मैं नदीम भाई, वीसी साहब, गजनफर साहब, हाजी इब्राहिम साहब और शिबली भाई के वालिद साहब जो बिल्कुल मेरे लिए वालिद की तरह हैं, बाकर भाई नेमतुल्ला साहब, और जिन्हें आज मैंने पहली बार सुना, हॉस्पिटल के फील्ड में इतना बेहतर काम कर रहे हैं, अल्लाह उनकी उम्र लंबी करे, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं वो। इन तमाम बड़ों की मौजूदगी में मैं आपको बताऊं कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हिंदी लिटरेचर का स्टूडेंट रहा, मुझे मलाल है कि मैं जामिया का स्टूडेंट क्यों नहीं रहा। आज वीसी साहब मौजूद है तो उनकी मौजूदगी में एक एक, एक खलीश है जिसे बयान भी कर दूं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रहा, हिंदी पढ़ता रहा, लेकिन अल्लाह ने मुझ जैसे हिंदी वाले बच्चे से मदरसे पर एक नज्म कहलवाई और उस नज्म ने मुझे पूरी दुनिया में इतनी गुमनाम सी शोहरत दी कि अल्लाह का करम है कि मैं ट्रेनों में सफर करता था और लोग मुझी को MP3 में मेरी नज्म सुना के कहते थे कि शायरी का शौक है तो कभी इस शायर को सुनना, साला बहुत अच्छा पढ़ता है। तो उन लम्हों में लगता था कि अल्लाह ने कैसी गुमनाम सी शोहरत दी।
मैं अभी पिछले दिनों बलिया में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा था, मेरे इलाहाबाद में चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर है, उन्होंने किया, तो उन्होंने फिल्मी दुनिया के कई बड़े लोगों को बुलाया, तो वो सारे लोग पहुंचे, आखिर में मैं थोड़ा देर से पहुंचा, तो मेरी आमद पर, मेरी मौजूदगी पे जो आप सबकी मोहब्बतें हैं वो जो जाहिर होती हैं, जब मैं पहुंचा स्टेज पर तो आवाम ने उसी तरह से इस्तकबाल किया, तो कई बड़े फिल्मी दुनिया के और छोटे पर्दे के स्टार बैठे हुए थे, जब मैं उनके पास आके बैठ गया तो उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, आपके लिए आवाम इस तरह से मोहब्बत दिखा रही है, हमने आपको कभी टीवी पे नहीं देखा। तो हमने कहा साहब मैं बिना टीवी वाला स्टार हूँ, मैं लोगों के दिलों में हूँ, लोगों के दिमाग में हूँ, उनकी धड़कनों में हूँ, मैं कभी किसी टीवी चैनल पे नहीं आता हूँ, लाइव स्टार, चलिए नया नाम इन्होंने दिया है, मैं वो नज्म सुनाता हूँ जिसने मुझे आपके दिलों तक पहुँचाया। वसीम रिजवी साहब का एक बयान दिया नहीं उन्होंने बल्कि दिलवाया गया, क्योंकि उनके ऊपर CBCID की जांच चल रही है, शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं उत्तर प्रदेश के, वो अभी तक बचे हुए हैं, उनसे बयान दिलवाया गया, ये सोच के दिलाया गया कि एक शिया बोलेगा तो सुन्नी जो है उस पर रिएक्ट करेंगे, लेकिन सलाम मौलाना कल्बे सादिक और कल्बे जवाद साहब को कि सबसे ज्यादा मजम्मत किसी ने की वसीम रिजवी की और जेल भेजने की किसी ने वकालत करी तो वो शिया हजरात के ही जो बड़े उलेमा थे उन्होंने करी। तो एक जो मंसूबा था शिया सुन्नी में बांटने का वो बहुत हद तक कामयाब नहीं हो सका। वाह वाह। मैं उनके नाम एक नज्म सुनाता हूं साहब, आजकल हालिया बयान उनका आया है, उनका बयान आया तो बच्चा तक रोने लगा, सोचिए शैतान का नाम आते हुए बच्चे तक डर जाते हैं। मैं नज्म सुनाता हूं साहब कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। जिन जिन लोगों ने फलस्तीन की फरमाइश की है उनका भी दाद देना बनता है, मैं उनकी भी फरमाइश तक आऊंगा। मैं पढ़ता हूं साहब पहला बंद के, यहां कुरान पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, यहां कुरान पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मोहब्बत होती, और मोहब्बत होती, कभी नहीं कभी नहीं हो सकता कत्ले आम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। भाईजान ने बच्चे को भाभी के पास भेज दिया, उन्हें पता है कि चुप कराने का काम उसी डिपार्टमेंट का है, चाहे बच्चे को चुप कराना हो या बच्चे के बाप को, काम उन्हीं का है। तो वह सही जगह पे बच्चा पहुंच गया, इंशाल्लाह चुप रहेगा, प्यार से सुनेगा। मेरी माएं बहनें मुझे सुन रहे हैं, मुझे उनकी भी दुआएं चाहिए, क्योंकि आपकी दुआ जिसके सर पे मिल जाए उसे मनमोहन सिंह बनने में देर नहीं लगती है। तो आप सबकी भी शिरकत हो, आप जहां भी हैं वहां से दुआ दें। मैं पढ़ता हूं साहब के, चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, जंगे आजादी में सबने अपनी जान लड़ा दी, अपनी जान लड़ा दी। साक्षी महाराज से लेके गिरिराज से लेके वसीम रिजवी तक ये मिसरे के, मिला तुम्हें मिला हमें, मिला तुम्हें आजादी का इनाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। हमारे देश का मिसाइल मैन अपनी पांचवी तक की तालीम चेन्नई के एक मस्जिद के बरामदे में बैठ के पूरी करता है और बाद में देश को परमाणु संपन्न बनाता है। मीडिया, हुकूमत, चंद चमचे कहते हैं कि मदरसों में टेररिज्म सिखाया जाता है। मैं
तीन नाम गिना रहा हूं साहब। के पड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने। भारत ने क्रिकेट का विश्व कप जीता, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को जीत का जश्न मनाना हुआ तो उन्हें कंधे पर उठाने के लिए गुजरात की मस्जिद के मुअज्जिन का लड़का यूसुफ पठान आगे आया, उन्हें कंधे पर उठा के उसने पूरे स्टेडियम के चक्कर लगाए। ये कुव्वत, ये ताकत मस्जिद और मदरसों के उन छोटे छोटे दानों में है जो हमारे आपके चंदों से आते हैं, किसी सरकारी मदद से नहीं आते। मैं बंद पढ़ता हूं साहब। के पड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने। देश को एक से एक बढ़ करके दिया है लाल इन्हीं ने, दिया है लाल इन्हीं ने। तीन राष्ट्रपतियों के नाम गिना रहा हूं। के निकले जाकिर, निकले जाकिर फखरुद्दीन कलाम मदरसों से। मत जो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। एक बंद पढ़ता हूं साहब। 57 की जंग के बाद अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत तो मुश्किल है, क्योंकि हम लड़ रहे थे उस वक्त, हम लड़ रहे थे। उन्हें लगा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत नहीं की जा सकती, हुकूमत करना है तो मुसलमानों को मिटाओ, मुसलमानों को मिटाना है तो कुरान मिटाओ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम दरख्त गवाह हैं। तालिब भाई उस इलाके से आते हैं जहां एक साथ सैकड़ों उलेमा को फांसियां दी हैं फिरंगियों ने, और यह कहा कि इनकी लाशें तब तक मत उतरने देना जब तक आवाम के दिल से इंकलाब का भूत ना उतर जाए। और आज हम ही कटघरे में खड़े। हिटलर ने कहा था एक झूठ तब तक बोलो जब तक सच ना मान लिया जाए। उन्होंने इस पर अमल कर लिया और हमने अपने ही सच पर चुप्पी ओढ़ ली। अंजाम सामने है। मैं अललान ये मिसरे पढ़ता हूं साहब। के जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए। अब तक जिसने हाथ नहीं खोला उससे कोई शिकायत नहीं, लेकिन इस मिसरे पे ईमान में हरारत पैदा हो तो कसम है कि हाथ हवा में उठा नजर आए। के जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटाना पाए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। के जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटाना पाए, एक हर्फ मिटाना पाए। लिया है अल्लाह ने ऐसा भी काम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। मैं मुशायरे में आया तो मेरे बड़े बुजुर्ग शायर जो हजरत थे उन्होंने कहा जो तुम पढ़ते हो इसे अदब में जगह नहीं मिलेगी, मर जाओगे तो किताबों में नहीं पढ़ाए जाओगे। मैं सब सुनता रहा और आपकी दुआओं के भरोसे कहता रहा कि मैं जानता हूं कि मैं मरने के बाद किताबों में नहीं पढ़ाया जाऊंगा। मैं ये भी जानता हूं कि शायद मुझे अदब में जगह ना मिले, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मैं इंशाल्लाह जीते जी इंकलाब जरूर पैदा कर जाऊंगा। मैं न जाने किस उम्मीद में था, न जाने किन दुआओं के सहारे था, भरोसे था। ये शायद इस नज्म पर जो उलेमा हजरात ने, जो बड़े बुजुर्गों ने, जो मेरी माओ ने मेरे लिए नमाजों में दुआएं करते हुए मेरे सर पे मोहब्बतें दिखाई, उसका करम ये हुआ कि जिस शायर को वो कहते थे कि तुम्हें जगह ही नहीं मिलेगी कहीं, 29 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने उसके दामन में सूबे का सबसे बड़ा अवार्ड यश भारती डाला। ये सिर्फ और सिर्फ बड़े बुजुर्गों की दुआओं का सदका था, मोहब्बतें थी। मुझे इस नज्म ने इमरान बनाया है, मुझे इस नज्म ने आपकी दुआएं दी हैं, तब शायद मैं यहाँ खड़ा होकर बोल पा रहा हूँ और दुनिया को अपनी आवाज़ सुना पा रहा हूँ। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज्म का।
और दामन दुआओं से भरवाना चाहता हूं आपसे। उन्हें लगता है कि हथियार मिलता है, वो कहते हैं ट्रेनिंग दी जाती है। मैं एक बंद पढ़ता हूं साहब, मैं बताता हूं वहां क्या मिलता है के वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई, वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई। इसी साहब मैं इतना खुश नसीब हूं कि मेरे पास तकरीबन 2 साल पहले उड़ीसा से एक फोन आता है, उधर से एक शख्स इमरान प्रतापगढ़ी बोल रहे हैं। मैंने कहा जी बोल रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं दोनों आंख का नाबीना हूं, मेरी आंखें नहीं हैं, मैं हाफिज कुरान हूं, मुझे आज अल्लाह से थोड़ी सी शिकायत है कि मेरी आंख होती तो मैं आपको देखना चाहता हूं। यह हासिल हुआ है मुझे इस नज्म की वजह से। वाह वाह वाह। दुनिया के तमाम अवार्ड, तमाम माशाल्लाह मोहब्बतें सब एक तरफ रखते हुए यह हासिल हुआ है मुझे कि मैं पिछले दिनों जब शिबली साहब की दावत पे आया था मुशायरे में, तो उमरा करने के लिए गया। मक्के से मदीना जब पहुंचा तो मस्जिद नबी में एक एक मंजर अपनी आंखों में कैद कर रहा था। जगह ही ऐसी है कि आप एक एक लम्हे को अपनी आंखों में भर लेना चाहते हैं। प्यास की शिद्दत महसूस हुई तो मैंने सोचा आबे जमजम पी लूं। मैं बता रहा हूं कि मुझे इस नज्म ने क्या दिया है। एक टूटी फूटी आसान सी जुबान में कही गई एक बच्चे के दिल की दर्द की नज्म, हिंदी के बच्चे की नज्म, मीरा सूर कबीर और तुलसी को पढ़ने वाले बच्चे की नज्म ने उसे क्या दिया है। मैं मस्जिद नबी में टहल रहा था, मुझे लगा मुझे प्यास की शिद्दत है, पानी पीना चाहिए, आबे जमजम पीना चाहिए। तो मैं एक जगह बकेट रखा हुआ था, मैंने सोचा आबे जमजम ले लूं। एक बुजुर्ग से आदमी वहां बैठ करके निकाल निकाल के खिदमत के नजरिए से शायद सबको दे रहे थे। 2 लोग मेरे आगे थे, मेरा नंबर आया, मैं झुका आबे जमजम का गिलास लेने के लिए, उनकी नजरें मुझसे मिली तो मस्जिद नबी में बैठा हुआ वो शख्स मुझसे नजर मिला के एक लम्हे भर में कहता है इमरान प्रतापगढ़ी। मेरे रोंगटे खड़े थे, मुझे लगा कौन है यहाँ जो मुझे पहचानता है। मैंने कहा जी मैं इमरान प्रतापगढ़ी हूँ। तो उन्होंने अपना छोटा सा जो मोबाइल था वो निकाला और अपने कुछ साथियों को फ़ोन किया, सबको बुलाया और फिर उसी सस्ते से मल्टीमीडिया मोबाइल में फाइल खोली और मस्जिद नबी में मेरी ही नज़्म मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से प्ले किया और मुझसे कहा बेटा हम बलूचिस्तान से हैं, पाकिस्तान से, सिंध से, हम तुम्हारी नज्म सुनते हैं अपने मदरसों में, हमारी मस्जिदों में तुम्हारे लिए दुआएं होती हैं। ये दिया है मुझे इस नज्म ने, इस नज्म ने मुझे इमरान बनाया है। दुनिया का कोई भी अवार्ड मैं इस मोहब्बत पर न्योछावर कर सकता हूं। मैं पढ़ता हूं साहब के वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई, जिसे देखना है वो आकर देखे ये सच्चाई, देखे ये सच्चाई के फैला है और फैलेगा इस्लाम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। बस जाते जाते ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने। फिल्मी लोगों को पसंद नहीं करता हूं, लेकिन 3 सलमान, शाहरुख और आमिर को सल्यूट बस एक बात के लिए कि जब हिंदुस्तान का महानायक एक कातिल के साथ सेल्फी ले रहा था तो इन 3 ने इनकार कर दिया कि नहीं, मैं फलस्तीन के कातिल के साथ सेल्फी लेने नहीं जाऊंगा। सलाम करता हूं, सऊदी अरब की सरजमीन पे खड़ा हूं, जब नजर दौड़ाता हूं चारों तरफ एक अल्लाह और एक रसूल की दुहाई देने वाले तमाम ममालिक की तरफ नजर दौड़ाता हूं तो कभी कभी मायूसी होती है। एक बात से उम्मीद बंधी थी, वो उम्मीद अभी भी कायम है, अल्लाह करे वो उम्मीद और बढ़े। किंग सलमान साहब का एक काम सलाम है उनको, रिसीव करने के लिए रियाद एयरपोर्ट पर खड़े हैं, दुनिया की सुपर पावर ताकत का सुपर पावर प्रेसिडेंट उतरता है, रिसीव करते हैं, वही लम्हा है जब अजान गूंजती है। कलेजा था, हिम्मत थी, ईमान की हिम्मत थी,
کہ اسے کہہ دیتے ہیں کہ ٹھہرو, نماز پڑھ کے آئیں گے پھر چلیں گے. واہ واہ سبحان اللہ. کیونکہ آپ دنیا کی سپر پاور ہے, سبحان اللہ, کائنات کی سپر پاور کا بلاوا ہے. بنا اذان کے بعد نماز پورا کیے آگے نہیں بڑھیں گے. اسے ایک بات نے بڑی امید بندھائی تھی, اللہ کرے وہ امید میری قائم رہے اور آگے بڑھے. میں نظم سناتا ہوں صاحب. یہ میری قوم کے رہنما بھی سنیں میری اجڑی ہوئی داستان بھی سنیں. تھوڑی دیر محسوس کریے گا کہ عمران نہیں ہے مائک پر, کوئی ایک ملک کھڑا ہو کر کے بول رہا ہے. جس ملک میں اسپتالوں پہ بم برستے ہیں, اسکولوں پر بم برستے ہیں, جس ملک کے قائد یاسر عرفات کو ہمارے دیش کی جو دیوی تھیں جنہیں اندرا کہا جاتا تھا, جسے وہ اپنا بھائی کہتی تھیں, میں اس ملک کی طرف سے ایک نظم سناتا ہوں آپ کو. واہ واہ. یہ میری قوم کے رہنما بھی سنے میری اجڑی ہوئی داستان بھی سنے, جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں ساری دنیا کے وہ حکمراں بھی سنے. صرف لاشیں ہی لاشیں میری گود میں, صرف لاشیں ہی لاشیں میری گود میں, کوئی پوچھے میں کیوں اتنا غمگین ہوں, میں فلسطین ہوں, میں فلسطین ہوں, میں فلسطین ہوں, میں فلسطین ہوں. کہ آئے تھے ایک دن میرے گھر آئے تھے, دشمنوں کو بھی تنہا نظر آئے تھے, دشمنوں کو بھی تنہا نظر آئے تھے, اونٹ پر اپنا خادم بٹھائے ہوئے, اونٹ پر اپنا خادم بٹھائے ہوئے, میری اس سرزمین پر عمر آئے تھے. میری اس سرزمین پر عمر آئے تھے, جس کی پرواز ہے آسمانوں تلک, جس کی پرواز ہے آسمانوں تلک, زخمی زخمی میں وہ ایک شاہین ہوں, میں فلسطین ہوں, میں فلسطین ہوں, میں فلسطین ہوں, میں فلسطین ہوں. ہماری آنکھوں نے ایسے منظر بھی دیکھے ہیں رمضان کے مہینے میں کہ ایک پہاڑی پر کوک اور بیئر کی بوتلیں لے کر بیٹھے ہیں لوگ, توپ لگی ہوئی ہے, گولے دگتے ہیں, معصوموں کے چیتھڑے اڑتے ہیں اور ادھر چیئر ہوتا ہے. ہماری آنکھوں نے ایسا منظر بھی دیکھا ہے. میں ایک بند پڑھتا ہوں صاحب. کہ ریت پر رب کا فرمان پلتا رہا, میرے دامن میں ایمان پلتا رہا, ریت پر رب کا فرمان پلتا رہا, میرے دامن میں ایمان پلتا رہا, میرے بچے لڑے آخری سانس تک, میرے بچے لڑے آخری سانس تک,
اور سینوں میں قرآن پلتا رہا اور سینوں میں قرآن پلتا رہا ذرے ذرے میں اللہ اکبر لیے ذرے ذرے میں اللہ اکبر لیے خوش نصیبی ہے میں صاحب دین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں جہاں موجود ہیں جیسے بیٹھے ہیں صرف اگلے 120 سیکنڈ مجھے دیجیے گا جہاں بھی کھڑے ہیں ایسے ہی میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خاموشیاں شامل ہوں میرے مصرے میں کہ نہ ہی روئیں گے اور نہ ہی مسکائیں گے صرف نغمے شہادت کے ہی گائیں گے صرف نغمے شہادت کے ہی گائیں گے اپنا بیت المقدس بچانے کو تو اپنا بیت المقدس بچانے کو تو میرے بچے ابابیل بن جائیں گے میرے بچے ابابیل بن جائیں گے جو ستم ڈھا رہے اب رہا کی طرح ان کی خاطر میں سامان توہین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں جاتے جاتے بس اتنا کہہ کے جا رہا ہوں شاید 4 سال پہلے کی بات ہے کہیں کسی سفر سے مشاعروں سے لوٹا تھا امی میرے بالوں میں تیل لگا رہی تھیں میری زندگی کا شاید وہ سب سے خوبصورت لمحہ ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہیں آپ سب کی بھی زندگی کا یہی سب سے خوبصورت لمحہ ہوگا امی بالوں میں تیل لگا رہی تھی تو انہوں نے بالکل روتے ہوئے انداز میں مجھ سے کہا کہ بیٹا کیسے محسوس کرتے ہو اس درد کو کیسے گا لیتے ہو کتنی دیر تک پڑھتے ہو پانی بھی نہیں پیتے ہو تکلیف نہیں ہوتی درد نہیں ہوتا کہاں سے لاتے ہو اتنا درد میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا اکثر میرے دوست کہہ دیتے ہیں کہ عمران کہاں سے لاتے ہو درد کیسے گا لیتے ہو کوئی جواب نہیں ہوتا جواب شاید یہ مصرے ہیں کہ چاک دامن رفو کر کے لکھتا ہوں میں چاک دامن رفو کر کے لکھتا ہوں میں زخم سے گفتگو کر کے لکھتا ہوں میں زخم سے گفتگو کر کے لکھتا ہوں میں درد گانے کو بھی حوصلہ چاہیے درد گانے کو بھی حوصلہ چاہیے آنسوؤں سے وضو کر کے لکھتا ہوں میں آنسوؤں سے وضو کر کے لکھتا ہوں میں اپنی سانسوں میں آباد رکھنا مجھے کوئی بڑی خواہش نہیں کچھ بہت زیادہ نہیں مانگ رہا آپ سے بس ایک گزارش جو ہر مشاعرے میں کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو پڑھاؤ حالات بہت خراب ہیں منصوبے بہت خراب ہیں اپنے بچوں کو بیوروکریسی کا حصہ بناؤ آئی ایس بناؤ آئی پی ایس بناؤ سسٹم کا حصہ بنو دنیا کا کوئی سسٹم پرفیکٹ نہیں ہوتا اسے پرفیکٹ بنانا پڑتا ہے ظلم ہے زیادتی ہے گھس جاؤ سسٹم میں سسٹم کو بدل کر کے رکھ دو رونے سے تقریروں سے صرف کام نہیں چلے گا گزارش ہے آپ سے آپ سب لوگ اللہ نے آپ کو نوازا ہے آپ سے بس اتنی گزارش کرتا ہوں آپ کے بیٹے کا پڑھنے میں ذہن نہیں لگتا اللہ نے آپ کو مال و دولت دی ہے زر دیا ہے
पैसा बहुत कुछ तो होता है लेकिन सब कुछ नहीं होता। सीता जब जंगल में थी तो उन्हें सोने का हिरन चाहिए था। वीसी साहब, सीता जब जंगल में थी तो उन्हें सोने का हिरन चाहिए था, लेकिन उन्हीं सीता को जब सोने की लंका में बिठा दिया गया तो उन्हें राम चाहिए थे। पैसा बहुत कुछ तो होता है, सब कुछ नहीं होता। अगर आपका बेटा नहीं पढ़ रहा है, आपका भाई नहीं पढ़ रहा है, अपने अड़ोस पड़ोस नजर दौड़ाइए। एक आध तेज तर्रार गरीब बच्चा आपको मिलेगा जो पढ़ना चाहता है लेकिन पढ़ने की हिम्मत नहीं है। कर दीजिए 2 साल उस पर इन्वेस्ट, कर दीजिए 2-4 लाख रुपए इन्वेस्ट। उसे कहो कि बेटा तुम पढ़ो, तुम्हारा खर्च हम उठाएंगे, तुम्हें महीने महीने हम खर्च भेजेंगे। क्या पता वही किसी जिले का DM बन के बैठे, किसी जिले का SP बन के बैठे। इंशाल्लाह बदलाव ऐसे ही आएगा, बदलाव एक दिन में नहीं आता है। इतनी गुजारिश आपसे कि अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, मैं रहूं ना रहूं याद रखना मुझे, याद। जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद, शुक्रिया, जजाकल्ला खैर, माशाल्लाह। ख्वातीनो हजरात, इसी के साथ मैं आपका होस्ट सैयद बाकन नकवी आज के इस प्रोग्राम के अख्तिताम का ऐलान करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अपना, अपने पड़ोसियों का, अपने रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखेंगे, बल्कि पूरे इंसानियत का बहुत ख्याल रखेंगे बिला तफरीक मजहब व मिल्लत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इसी के साथ आपसे विदा चाहते हुए अल्लाह हाफिज, शब्बा खैर, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद।